हेलो दोस्तों, सुपर रॉक्स जेड में आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आइए, आज की जानकारी जो है सुपौल स्टेशन और सरायगढ़ स्टेशन की है, जो कि राज्य रानी एक्सप्रेस चल रही 28 तारीख से चलेगी, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो सुपौल सरायगढ़ जो है ये दोनों स्टेशन पर धोखा हुआ है राज्य रानी के नाम पर। तो क्यों धोखा हुआ है ये भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो गैस देखिए, ये भी ट्रेन के साथ धोखा हुआ है और ये स्टेशन के साथ धोखा हुआ है कि जो सहरसा से चलती थी वो दूसरा नंबर है और जो सहरसा से सरायगढ़ के बीच सुपौल के बीच चलेगी उसका दूसरा नंबर है। तो इसमें जो है टिकट भी दो बनाने पड़ेंगे रिजर्वेशन, ताकि दो टिकट होंगे और ये दो टिकट के नाम पे धोखा है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुपौल सहरसा जाने के लिए टिकट अलग से बनाने पड़ेंगे और सहरसा से जो है पटना के लिए अलग टिकट रहेगा। तो ये धोखा ही है। तो ये एक ही नंबर रहना चाहिए, जो कि पहले सहरसा से राजरानी एक्सप्रेस पटना के बीच जो नंबर से चलती थी उसी नंबर से रहना चाहिए, ताकि एक टिकट पे सरायगढ़ सुपौल से डायरेक्ट पटना तक जा सके पब्लिक लोग। तो गैस कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक।